हेलो, यस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर। वोकल इज ऑडिबल टू यू? ओके, वीडियो इज क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है सर। ओके ठीक है, तभी मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को थोड़ा सही लगेगा। एनीवेज, इट्स 9:10 एंड 34 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्ड्स आर सर वॉइस कम आ रही है सर। वॉइस कम आ रही है, अभी भी आ रही है वॉइस कम? अब नहीं आ रही सर। अब नहीं आ रही है। ओके, अब कैसे एरिया मच? अब ठीक है सर। अब ठीक है, मुझे इसमें बताना कि कितने पीछे मुझे बोलना है। अब ठीक है, अब अच आ रही है मच? यस सर। ओके, तो ओके, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट आर एल सी बेसिक फीचर्स ऑफ इट। व्हेन यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस लाइक वोकल और ऑडियो, प्लीज इन्फॉर्म। ठीक है, लेट मी नो दैट यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। मुझे पता नहीं चले तो भी तो मुझे बता देना, कि मैं बोलता रहूँ और तुम लोग को समझ में नहीं आए कि वोकल अगर कुछ कट रहा हो गया। सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट आर सी एल, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल फीचर ऑफ इट। सो what we are going to do today, we will solve some numerical problem regard this problem, these characteristics. Regard these characteristics, we will solve some numerical problem. So first, what you need to do, I will share some screen to you. And the reason why I did not share PDF to you, because that includes some numerical problems and some solution of that. So that's why I just don't want to share that to a particular PDF. So, sir, how we will get to know that what was the formula? So, I have one solution for you. I am sharing a PDF to you, and in that mode, you will find a table. So, you can take a screenshot for right now, and you need a paper, or we can say a copy and pen today, because I will give a numerical to you, and you will solve and you will test. Okay. So, I will ask each and everyone. मैं किसी से कभी भी पूछ सकता हूँ रैंडमली। आई कैन आस्क टू एनी वन, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसका आप स्क्रीन शॉट ले लो और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं होता, न्यूमेरिकल से मतलब होता है। सो स्क्रीन इज विजिबल टू यू, पीडीएफ स्क्रीन, यू कैन सी अ टेबल हियर or not? Yes, sir. Okay, take a screenshot of it. It will help you, or you can write it. अपनी कॉपी पेन में आप लोग लिख लीजिए। अपनी कॉपी पेन में आप लोग लिख लीजिए। इसको अभी हम यूज करने वाले हैं। ये सारे की पूरी पूरी टेबल। करंट एलिमेंट आर एल सी, वोल्टेज वी इक्वल टू आर, वी इक्वल टू एल आई डी, एल डी आई बाई डी टी, वी इक्वल टू वन अपॉन सी। स्क्रीनशॉट में बेटर है आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि अभी इससे निवेदन सॉल्व करने वाले हैं।
ओके सर। सबने नोट डाउन कर लिया? मैं इसको स्क्रीन को हटा दूं? कोई यस सर। यस लिख रहा हो तो मुझे बता दो अभी। कोई जवाब नहीं, इसका मतलब सब लिख चुके हैं। आई विल रीड इट। समझ में नहीं आता तो मैं वापस बताऊंगा। सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दो कैमरा। अभी कर रहा हूँ, मैं एक बार इसको लिख दूँ फिर इसके बाद। ठीक यस है। ओके एवरीवन, प्लीज फोकस ऑन माय वोकल एंड लुक एट द बोर्ड, लुक एट द स्क्रीन। तो व्हाट यू हैव हियर, आपको नीचे वाली लाइन दिख रही है या वो मिस हो गई? दिख रही है। ओके, तो द क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ कैपेसिटर व्हिच हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। Capacitance of 5 microfarad. Now, what we need to do? Calculate the stored energy. Calculate the stored energy in it. If a DC voltage source of 100 volt, a DC voltage source of 100 volt is applied to it. देखो, वेरी सिंपल वन क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। अगर तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला देख के करने लगोगे तो ठीक है, वो रटना होता है। क्वेश्चन को समझना सीखो। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर है विच इज चार्जिंग, विच इज बीइंग चार्ज। सो दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज गेटिंग चार्ज। सो व्हाट इज द वैल्यू कैपेसिटी ऑफ दिस? दिस इज 5 माइक्रोफैरड, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी सी। एंड सर 100 वोल्ट डीसी सोर्स को हम सप्लाई कर रहे हैं। सर 100 वोल्ट डीसी सोर्स अगर इसको हम इसको करेंगे, कुछ सर्किट ऐसे बनेगा आपके पास? जब तक सर्किट बनाना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप, वरना फॉर्मूला रट के हम सॉल्व करें तो उसे कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। यहाँ तक अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो कुछ क्या बहुत इजी होगी कि कैपेसिटर का वर्क क्या है। कैपेसिटर का वर्क क्या है? इसमें यहाँ पे चार्ज करना, खुद को चार्ज करना। 100 वोल्ट की बैटरी से कंटिन्यू चार्ज हो रहा है और जो कैपेसिटी कितनी है? 5 माइक्रोफेरेड। सो व्हाट वी वांट, व्हाट क्वेश्चन वांट्स, क्वेश्चन वांट्स दैट इज सेइंग दैट कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी नीड, कि कितनी कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। सवाल समझे हो? कि 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर दे रखा है, 100 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। अब मुझे बताओ कि ये कैप इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है? एनर्जी, यू नीड टू कैलकुलेट एनर्जी।
मुझे आंसर बताइए फटाफट, आप सब सॉल्व करिए, आप लोगों के पास सब कुछ फॉर्मूलाज भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे मतलब सिर्फ आंसर से नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे आपको। डू इट फास्ट। 25 मिली जूल। 25 मिली जूल, अगर जूल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 0.025। ये आंसर है। ओके 0.025, कितनी एनर्जी हो गई? कुछ कम है या ज्यादा है ये? दिस इज कम, दिस इज लेस और वेट प्लीज। Okay, so what I was going to tell you that this 5 microfarad has a capacity to store this much of amount. Now question comes here, change kar lo, ye kuch bhi karo, aap iske andar dekh ke check karke dekh sakte ho yahan pe kitni badhate jaoge. Suppose karo aapke paas yahan pe 100 volt hai, yahan pe voltage agar main 200 kar do, zyada badi battery laga do, समझना, तो इसकी एनर्जी पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यस सर। कितना पड़ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो जल्दी। फोर टाइम्स आंसर, 4 टाइम्स आ गया, बताइए कैसे? 4 टाइम कैसे है? वी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था हमारा? डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जी है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो आपके डिपेंड कर रही है एक तो कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटी मतलब उसकी फैरड कितनी कैपेसिटी बन, जो उसकी वैल्यू होती है यहाँ 5 माइक्रोफैरड, और दूसरा वो प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो अगर किसी कैपेसिटर को अगर हमको ज्यादा चार्ज करना है, मतलब ज्यादा क्या उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमारे को उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए या फिर उसकी वोल्टेज बढ़ानी चाहिए? वोल्टेज सर। ये न्यूमेरिकल आता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसके अंदर एक ऑप्शन आपका डब्ल्यू प्रोपोर्शनल सी भी आएगा और एक आता है आपका डब्ल्यू प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर भी आता है। सो व्हिच इज राइट वन, द क्वेश्चन विल कम्स लाइक कि इन व्हिच फैक्टर इट डिपेंड्स मोर, कि किससे ज्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव कौन हुआ, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा क्या सेंसिटिव हुई या वोल्टेज ज्यादा सेंसिटिव हुई? वोल्टेज। क्लियर, समझ गए? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो कि मेरे को यहाँ पे ये आंसर नहीं निकालना था, मुझे यहाँ ये चीज बतानी थी आपको। Are you getting what I'm saying or not? Please be active. Yes sir. जिसको नहीं आता वो नो बोलो, एक बार और समझाऊंगा मैं। अभी किसी ने कुछ नहीं बताया, चलो इसमें एक और चेंजेस करता हूँ मैं। एक चेंज ये करता हूँ कि मैं इसको 100 वोल्ट लेके चल रहा हूँ और मैं इसको 10 microfarad. मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी और इसको 100 वोल्ट ही कर रखा है, कितना चेंज आएगा? ट्वाइस ऑफ एनर्जी, टू टाइम्स। कैलकुलेट बताओ, मतलब कितना आ रहा है? पहले वाले में हमारे पास कितना आ गया था, 4 टाइम्स हो गई थी, और अब कितना हो जाएगा? जस्ट 2.5 हो गया, मान लिया यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ रही है, यहाँ पे 4 टाइम्स बढ़ रही है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपके पास कि इस एलिमेंट को मैं उसकी पैरामीटर को मैं डबल कर दूं, इससे मेरे एनर्जी क्या हो जाए? 4 टाइम्स हो जाए। इन विच एलिमेंट आई शुड इंक्रीज और आई जस्ट डबल इट
देन आई विल गेट एन एनर्जी ऑफ फोर टाइम्स. आपका आंसर ऐसा आना चाहिए, ना कि आपका आंसर ये आना चाहिए. बिल्कुल बेसिक चीज थी, इस क्वेश्चन से मैंने आपको समझाई है. क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, हमको सारे फॉर्मूले पता होते हैं, सब फॉर्मूले पता होता है हमारे, सब याद करके जाते हैं हम, लेकिन बेसिक से चीज हम भूल जाते हैं और उसके कारण हमारा एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाता है. मैं आपको ये आज के लिए नहीं बता रहा, आप आज के चार साल बाद, पांच साल बाद जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम उतरोगे तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. आपने अगर इसका नाम सुना है SSC JEE, सुना है किसने? ये तो आपके घर से एमएसपी है, जूनियर इंजीनियर. सब सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की एक वैकेंसी आती है, इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है. जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, एक नंबर क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये सबको नोट डाउन करते हुए चल रहा हूँ, मेरे आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं होगा. ये नोट डाउन करते हुए चलना, कुछ चीज मतलब लग रही है ये चीज ऐसे हो गई, ये चीज ऐसे हो गई. सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, you can see a graph between voltage and time, where voltage at 20 and time is at 10, but time is at unit of microsecond, sorry millisecond, not micro, that is millisecond. Aur aapke paas jo capacitance ki value de rakhi hai 50 microfarad. Now what is the question? Question is that question wants what is charging current. You need to calculate what is charging current. Aksar दिमाग नहीं लग रहा, मैं उस फ्रेंड के लिए बात कर रहा हूँ जिसको मतलब फॉर्मूला भी दिख गया, उसने स्क्रीनशॉट भी ले लिया. सर कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या खत्म करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. जो क्वेश्चन देता है ना फिर से देख लो, क्या क्या दे रखा आपको. ये बी है, ये टी है, ये इस ग्राफ से समझो, ये ग्राफ से क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कोई बता सकता है उसको, ये ग्राफ क्या कहता है. जब भी कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहता है. When you face voltage is increasing with respect to time. Yes. With respect to time means there is changing in value with respect to time, right? There is changing in value with respect to time. And you find whenever you face this type of figure, or we can say no. So we know that dV upon dt, that is 20 by 10 or not. यही होता है. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 वॉट मीटर वो मिली सेकंड. मेरा आंसर अगर ये रहता है तो मैं इतना निकाल सकता हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना मेरे पास आंसर आ सकता है. अब आगे मेरे को चार्जिंग करंट निकालना है. अब चार्जिंग करंट किसके लिए निकालना है आपको, वैल्यू किसके लिए रखी है, सी. तो मुझे आंसर बताओ, अब तुम सॉल्व करो. सर 0.1 एम्पियर. और एक आंसर 0.1 एम्पियर आ रहा है. इसके अलावा बताओ. मैं आज एब्सेंट मार्क करूंगा, जो मुझे अगर वोकल में अगर किसी ने मुझे एक्टिव प्रेजेंट नहीं हुआ तो. संजय मैन, आई हैव अ डाउट ऑन यू दैट यू हैव लेफ्ट योर फोन. नेक्स्ट वन उदय सांकला. उदय सांकला. यस सर. आंसर क्या है आपका? सर 0.1. Point one.
Next one, Tanuj. Tanuj. Point one. Next one, Subhnesh Sharma. Yes, sir. Subhnesh Sharma. Point one. The right answer is point one because current, charging current in capacitor is equals to I equals to C dV upon T. And we will find answer of 0.1. That's right. We will move it for the next problem. Okay, we have a 100 ohm resistor, 10 volt voltage. We need to calculate current, we need to calculate power, P. Let's add 100 ohm resistance, 10 volt battery, current we need to find out, power we need to find out. So last one is that, how much energy consumed in 5 seconds? And last problem is that, how much energy Point one ampere, one watt, five joule is energy. What's your name? Honor. Okay, next. Take your time. 3 minutes. So current is 0.1 ampere, power 1 watt, and energy consumed in 5 seconds is also 5 watts. 5? Unit without? So 5 joule. Okay, what's your name? Yashovardhan Sharma. Yashovardhan. Okay. Anyone is there who is getting a different value here? No, sir. Tumhare ko different value aayi hai, kya aa rahi hai? इसके आपका कुछ नई चीज कॉपी पेन लेके बैठोगे तब जाके सॉल्व कर पाओगे, फॉर्मूला लेके बैठोगे तब जाके सॉल्व कर पाओगे, ऐसे दो जैसे बैठ के अगर सुनने के लिए होगा तो कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओगे। सर्किट पैसे होता है, रोज नई नई चीजें होगी। अभी तो मेरे पास अपना आज वो नई चीज सिखाऊंगा, नहीं तो कलर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। Okay, let me ask Suheha Rajura. Please tell me your answers. 0.1. How did you get it? Hello? Yes. तो है बोलो। हेलो। यस वह आई कैन लिसन टू यू प्लीज स्पीक अप। डू नॉट हेसिटेट। लास्ट में आप हेसिटेट नहीं हो।
अगर गलत भी होता है कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ सॉल्व करने के लिए। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो भी मैं आपसे पूछता और गलत भी होता तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहता, क्योंकि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप लोग घबराए नहीं, बिंदास बोलिए आप लोग। शिखर आदित्य चे, शिखर can listen to me, Shikhar, I am not able to get your voice. Shikhar, next one, power kaise nikalunga main yahan pe, so b is equals to v square r, b equals to v square r, b kitna ho gaya 10 into 10 r equals to 100, aur koi formula bhi nikal lega I square RT. P निकालने को तो ये I square R T नहीं आया, T से एनर्जी निकलती। ओह सॉरी। P को तो I square R, I मतलब करंट हो गया हमारा 0.1 to 0.1 into 100. Okay. इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम से भी निकल जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अभी हमारे पास एनर्जी है नहीं तो अभी हम ले नहीं सकते इसको। एक और फॉर्मूला होता है पावर का, क्या होता है? P इक्वल टू VI, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर R को कितना है? I स्क्वायर RT क्यों होता है? वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पावर की बात कर रहा हूं। P इक्वल टू VI, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, लेकिन धीरे-धीरे समझ जाओ। P को सो VI, P कितना है 100, करंट कितना है, ये P 10 है, क्या हो गया पॉइंट। सबसे पहले कैलकुलेटर पे देख लेना आंसर आपका फॉलो होगा, क्लियर। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी के लिए मैं कोई दूसरा इंस्टेंट चाहिए जिसमें मैं बात करूं। आई विल चेक दैट स्टूडेंट हु इज टेकिंग रेगुलर क्लास। राधिका तंबी, आपको समझ में आ रही चीजें? यस सर। आर यू गेट? ओके, तो मुझे एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। एनर्जी का सर पी पी इनटू टी आई स्क्वायर आर टी। देखो राधिका, पहली चीज समझना कि एनर्जी के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। इस तरह मैं फॉर्मूला बताऊं तो इससे रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे फॉर्मूला भी आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या है आर रेजिस्टेंस के केस में, तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताना रेजिस्टेंस के केस में। तो आप बताओ मुझे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? सर एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी, आपने क्या बोला? पर I स्क्वायर आर टी एक फॉर्मूला है, P इनटू टी एक फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है। हाँ बताओ। हाँ तो आपके पास 5 गुना आंसर। क्लियर है चीजें? यस सर। तो जो मैं नोट ये सॉल्व कर रहा था तो उसको तरीके से आप लोग लिख लेना, अपने कॉपी के अंदर तो पीडीएफ को मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ में इतनी चीजें सॉल्व करके नहीं मिलेगी आपके बनाने के पास। दैट्स गुड। अभी बिल्कुल बेसिक जीरो क्लासेस में आज मैं आपको केवीएल केवीएल स्टार्ट कर दूंगा। तो बोलते हैं किरचॉफ लॉ, एक न्यूमेरिकल लॉ है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे। एक इंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पास एक इक्वेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट वो है लगभग 1 एम्पियर
per second. Strength of current, peak ampere per second. और जो इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, पहले तरफ की वो दे रखी है आपके पास लगभग एक एम्पीयर, और आपके पास उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है. फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 1 वॉट. 1 वोल्ट सही आपका 1 वोल्ट है. और दूसरा आपके पास कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट आफ्टर 2 सेकंड. मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट आफ्टर 2 सेकंड. ऐसा सर कुछ सर्किट है, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है. इंडक्टर लगा रखा है, कहता है करंट की हम बात करते हैं. करंट का अगर मेरे पास यहाँ चेंज इज फॉर एग्जाम्पल दैट स्ट्रेंथ ऑफ करंट. स्ट्रेंथ ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ? di by dt. ध्यान रखना क्वेश्चन को समझ के काम करना. यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं है, दैट इज di by dt. सर आपने di by dt क्यों लिया? आपने तो बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट का फॉर्मूला ये होता है. अरे कई बार क्या होता है, हमारे को सिर्फ इन चीजों को देख के बात करनी होती है. क्या लिख रखा है? 1 एम्पियर. सर एम्पियर है तो आई होगा और सेकंड है तो टी होगा. डीआई बाई डी टी दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, वो सब कुछ मैटर करना. तो अब इंडक्टर की वैल्यू 1L. अब यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इट, तो वोल्टेज अक्रॉस इट का मतलब होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी वोल्ट, और करंट आपको यहाँ से निकल जाएगा. आपके पास वन वोल्ट की वैल्यू आ रही थी. नेक्स्ट वन. ओके सर आपने ये तो सिखा दिया था, अब इसके बाद में आपने बताया था एनर्जी. एनर्जी को रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ काम होता है, कैपेसिटी में होता है, ये सब होता है. लेकिन बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे घूम फिर के इंडक्टर की. सर एनर्जी का इंडक्टर के साथ में कोई फॉर्मूला हमको बताया था क्या आपने? बिल्कुल बताया था. मैंने आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए कहा था और मैंने बोला था कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई स्क्वायर अपॉन, ये मैंने फॉर्मूला बताया था. यहाँ पे अगर मैं W की बात करता हूँ, L की वैल्यू मेरे पास 1 है, करंट की वैल्यू कैसे आएगी? करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 एम्पीयर आएगी. 2 एम्पीयर आएगी. क्यों आएगी? पर सेकंड स्ट्रेंथ, पर सेकंड स्ट्रेंथ दे रखी है. तो सर 1 सेकंड के लिए आपके पास 1 एम्पीयर है, तो 2 सेकंड्स के लिए 2 एम्पीयर होगा. बहुत बढ़िया. क्या नाम है आपका? रौनक. रौनक. रौनक टोल्ड वेरी राइट थिंग्स हियर. बिल्कुल सही बात बताई उसने. क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट दे ही नहीं रखा, आई की वैल्यू तो दी नहीं थी उसने. अगर आप कैसे निकालते यहाँ पे, अगर आप ये रख देते ना 1 एम्पीयर सेकंड, तो आपका आंसर गलत. आप लोग समझना सीखो, ये आई है और ये डी आई बाई टी है. और यहां से क्वेश्चन समझो, यहाँ पे दे रखा है इसने 1 एम्पीयर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर. तो 2 सेकंड में कितने हो गए? 2 एम्पीयर. 3 सेकंड में कितना हो गया? 3 एम्पीयर. तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई? 2. और यहां से कितनी आ गई हमारे पास? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड में हमारे पास 2. तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 हो जाएगी. किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है मुझसे, अभी भी पूछ लो क्वेश्चन बंद करने के बाद, रब करने के बाद. फिर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, मैं वापस इतना छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा मैं आपसे. सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए. बिल्कुल मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ. डोंट वरी. देखो क्वेश्चन में यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी चीज थी. क्वेश्चन में यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि एक इंडक्टर है, के साथ एक सोर्स लगा दिया, इसको स्टोर किया जा रहा है. नाउ वी हैव 1L, इट्स वैल्यू 1L. हेनरी की यूनिट होती है, सॉरी इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी,
1 हेनरी हमारे पास की वैल्यू है, वो मेरे को दे रखे किसी ने, यहां वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज के लिए मेरे पास क्या होता है, एक तो उसका एलिमेंट जिसमें स्टोर हो रही है वो अगर ऐसे तो आ रहा था, और सर साथ में मेरे पास करंट चाहिए। ओके, हर जगह ध्यान रखना एक ही चीज लगती है, अपने पास ऑन फ्लो हर जगह लगा सकते हैं, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको ऑन फ्लो, वो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। ऑन फ्लो आता है हमारा थोड़ा सा अलग पे, और डी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ तक तो आपके लिए बहुत ही सिंपल था, ये तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ था मैग्नेट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर, मैग्नेट ऑफ एनर्जी स्टोर, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, W equals to inductor की बात हो रही है तो L I square upon 2 होता है, L के लिए 2 के 2 लगा दिया हमने, L की वैल्यू हमको पता है 1 हेनरी होती है। अब यहाँ बात आती है करंट की, करंट कैसे निकालेंगे, इस करंट के लिए आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को खोल के रखना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन ने कहा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब करंट की ताकत, एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट होता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन आफ्टर 2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर 2 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1 करंट है तो 2 सेकंड में यहां पे 2 करंट हो जाएगा। रिलेट करना सीखो, क्वेश्चंस को खोल के समझना सीखो, दैट्स व्हाई मैं आपको ये डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोग उसको क्वेश्चन को एक्सपेंड करके देखो, पर ना मुझे क्या दिक्कत है, 2 मिनट के अंदर आंसर खत्म हो जाता है, तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं। तो 2 सेकंड में पूछा था, 1 सेकंड में 1 एंपियर करके आप 2 सेकंड बाद कितना होगा, 2 सेकंड में 2 एंपियर हो जाएगा, इसलिए मैंने आई वैल्यू यहां पे 2 लगा दी। क्लियर है या नहीं, clear or not, please let me know। Screen is not visible, join Rajesh Sharma, have you joined? Yes sir, visible hai sir, visible hai, koi mic problem aayi kisi ko nahi, to yahan tak koi cheez samajh mein aayi ya nahi aayi, clear hai, आगे मूव कर लूं, आगे मूव ओके। देखो आपने कोई सी भी बुक उठाओ, मैंने आपको बुक की पीडीएफ शेयर, मैंने बुक की एक इमेज शेयर कर दी आपको जिसमें नंबर ऑफ बुक्स थी, उसके अंदर आप स्टडी की बुक भी देख सकते हो, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी आपको। लोकल ऑथर्स की बुक्स मत खरीदना, पहली बात कर रहा हूँ मैं, ये जीनस आपके कोई सीनियर बोल रहे हैं या भैया दीदी कोई भी बोल रहे हो, लोकल ऑथर की बुक मत खरीदना, उससे सिर्फ तुम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाओ। तुमको एक मेंढक बनकर समझना जानते हो क्या होता है कुएं का मेंढक, देखो उसे इतना से पता समझ में आएगी कुछ चीजें कि जितने उसकी बुक्स में है ना उतने से क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, इन कॉन्सेप्ट को जितना बता रहा हूँ ना उतने वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाना सीखो, खुद बनाओ, खुद छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, आपका दिमाग दौड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली डिपेंडेंट में पहुंच जाओगे, डायरेक्टली केवीएल कैसे पहुंच जाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा, लेट मी टीच यू देन वी विल गो फॉर दैट। चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसका मतलब ये नहीं, सब्जेक्ट ऐसा है जितना एक्टिव रहोगे उतना समझ में आएगा, बात जो समझा रहा हूँ लाइफ में याद रखना। के बी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, के बी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, डेफिनेशन डेफिनेशन सब तुम्हारी लिखी हुई जाएगी तुम्हारे को पीडीएफ में, मुझे मतलब नहीं है उस डेफिनेशन से कैसे याद करते हो, तुम रटते हो या कुछ करते हो, आई डोंट केयर, मेरा काम ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं केवीएल को आखिर क्या कहते हैं, क्यों यूज करते हैं। देखो एक होता है केवीएल और एक होता है केसीएल, एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और एक होता है किरचॉफ करंट लॉ। मतलब अब वोल्टेज फ्लो होगी तो वोल्टेज हमेशा कहाँ फ्लो होती है, हमेशा सर्किट के अंदर होगी सर, जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी हमारे पास वोल्टेज होती है या फिर करंट होती है, ये सारे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। सर एक सर्किट हो गया उसमें लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होती है, तो आज हम थोड़ा सा उसी से डिस्कस करता हूं मैं आपको। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सपोज दिस टाइप ऑफ सिंबल सर्किट नथिंग टू वे, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर, फोकस ये करो कि क्या बंद क्लोज है, yes this is a closed one,
तो हमेशा केवीएल है ना एक क्लोज सेक्शन पे लगता है, हमेशा केवीएल एक क्लोज सेक्शन पे लगता है। क्लोज सेक्शन कैसे सर? कभी कभी हमने देखा है केवीएल ऐसे लग जाता है, ये मतलब ये पॉइंट हुआ और ये बी वन हो गया, केवीएल इस पे लगा देता है। यहाँ तो देखो ये ओपन है ना, दिस इज नॉट ओपन, वी आर कनेक्टिंग इट विद अ सोर्स, वी आर कनेक्टिंग इट विद अ सोर्स, ऐसा होता ही है लेकिन हम इसको बनाते हैं ऐसे, तो ये क्लोज होता है हमेशा। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी डाउट होता है कि सर हमेशा क्लोज में बोलते हो, क्लोज में केवीएल लगता है लेकिन ओपन होता है। तो आर वन आर टू आर थ्री, हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस, एक आपने लगा दिया वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा दिया सर, आपने समझा चुके हो कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर चार्ज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जाता है या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, ये आपने बता चुका। और आपने ये कहा था कि अगर इसको बेसिक डिटेल में पढ़ना है तो एक बार पूरा चीज़ों को वापस रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आपके पास जब इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी तो आपके पास बैटरी के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे तो आपने इतना समझाया था कि यहाँ से आपके पास करंट निकलता है और इसके अपोजिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये दो चीज़ देखी आपने। अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट में होती है, ये दो चीज़ें आपने समझाएंगी। ओके सर, इसके बाद आपने क्या समझाया था? इसके बाद समझाया था रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सर आपने ये बताया था कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ये बताया, ये भी चीज़ आपको बताएगी। इसे सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है, करंट हमेशा कैसे होती है, सेम होती है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिवाइजिंग इट, जो मैं चीज पढ़ा चुका हूँ सबको रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं केवीएल स्टार्ट करूंगा। ये सब चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब क्या, अब ये है सेम, ये जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस में जाएगी, अब इस रेजिस्टेंस में जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर, कंजप्शन करेगा करंट का, रेजिस्टेंस कंजप्शन करेगा तो क्या होगा आपके पास, रेजिस्टेंस कंजप्शन करने के बाद कुछ ऑपरेट करेगा, कोई नोड को ग्लो करेगा, रेजिस्टेंस कैन बी एनी बल्ब, रेजिस्टेंस कैन बी एनी टाइप ऑफ ग्लोइंग एलईडीज एंड ग्लोइंग डिवाइसेस, तो रेजिस्टेंस विल ग्लो, रेजिस्टेंस विल ग्लो मीन दैट there would be some consumption, there would be some consumption, consumption is what we will represent in V1, voltage होगी तभी तो आपके पास कुछ consumption करेगा, जितने voltage मिलेगी consumption अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ क्या होगा, resistance आपके क्या करेगा, power observe करेगा, resistance क्या करेगा, power को observe करेगा, तो इस particular resistance के लिए भी आपके पास एक power होगी, उसको हम denote करते हैं V1। अब बात ऐसी है सर, आपने यहाँ पे प्लस भी हम माइनस लगा दिया, क्यों लगा दिया? तो अब एक चीज ध्यान रखो कि जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है ये कैसे होते हैं, यूनिलैटरल होती है बायलैटरल होती है, प्लीज लेट नो रेजिस्टेंस इज यूनिलैटरल और बायलैटरल, सो यूनिलैटरल यूनिलैटरल बायलैटरल रेजिस्टेंस में इधर से भी करंट फ्लो हो सकता है तो इधर से भी फ्लो हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस में इधर से फ्लो हो रहा है तो इसकी वैल्यू दो ही रहेगी, अगर रेजिस्टेंस में इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो भी इसकी वैल्यू दो रहेगी, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है कि हम पढ़ते नहीं है अभी, इसलिए सो करंट जहां से भी एंटर कर रही है रेजिस्टेंस में इंडक्टेंस में कैपेसिटेंस में हमें उसे मान के चलना है प्लस, बुक्स में कुछ भी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक्स को उल्टा दे रखा हो घूम फिर के आंसर वही आना है, और जहां से निकलती है उसे बोलते हैं माइनस, अगेन करंट जहां से एंटर करेगी उसे बोलते हैं प्लस, इधर से बोल जहां से निकल रही है उसे बोलते हैं माइनस, जहां से एंटर कर रही है उसे बोलते हैं प्लस, जहां से निकल रही है उसे बोलते हैं माइनस। इसमें समझने में कोई दिक्कत है किसी को प्लस माइनस की? आगे चलो। यस सर। यस सर। ओके, सीरीज में करंट तो सेम होता है लेकिन सर वोल्टेज डिफरेंट होता है, आपने बताया था कल ही, बताया था कल परसों क्लास में, बताया था हाँ बिल्कुल, आपके पास वोल्टेज डिफरेंट होगा तो हर रेजिस्टेंस के लिए आपके पास क्या होगी, वोल्टेज डिफरेंट होगी। सर एक स्टूडेंट को डाइट आ रहा होगा किसी ना किसी को, सर अगर मान लो रेजिस्टेंस अगर सेम कर दें, अगर रेजिस्टेंस अगर सेम कर दें, मान लो ये भी आर वैल्यू ये भी आर वैल्यू, तो क्या इन दोनों में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगी या सेम होगी? सेम होगी। अब जब रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज, अगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे वोल्टेज का सेग्रीगेशन हो जाएगा और सेग्रीगेशन में डिवाइड होगी, टाइम यहाँ पे हो जाएगी और 2.5 हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ये फर्क कुछ नहीं पड़ता, चीज वही है लेकिन यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री तीनों डिफरेंट है तो तीनों की वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट 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 होगी, तीनों की वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट 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 होगी। अभी तो मैंने केवीएल स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा वेट करना, अभी केवीएल मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया।
अभी केवीएल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। केवीएल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट हो गई तो अब हमारे पास क्या होता है, एक लूप के अंदर, एक लूप मतलब ये क्लोज, अगर इस क्लोज पाथ के अंदर अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें, अगर इस क्लोज पाथ में हम जितनी वोल्टेज हमारे पास है अगर उसको हम सम करें तो उसका सम हमारे पास कितना आना चाहिए, ये होता है केवीएल। स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ मैंने लिखा हुआ है आपके पीडीएफ में, ये मैं बिल्कुल आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर एक लूप के अंदर अगर टोटल अगर हम वोल्टेज को सम कर ले, वोल्टेज कितना का मिल सकती है आपको, सर वोल्टेज मिल सकती है कोई सोर्स लगा दिया हमने, अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वहां वोल्टेज होगी, बिल्कुल सर यहाँ वोल्टेज होगी, इंडक्टेंस है तो कोई वोल्टेज होगी, यस यहाँ पे भी वोल्टेज होगी, अगर सर कैपेसिटेंस है तो वोल्टेज होगी, यस यहाँ भी वोल्टेज होगी। तो सर कुल मिला के कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वोल्टेज सोर्स का, इस वोल्टेज सोर्स का, इस वोल्टेज सोर्स का, इस वोल्टेज सोर्स का, मतलब ये सोर्स नहीं है यहाँ पे, मतलब वोल्टेज होगी, कोई कंजेशन हो गया तो वोल्टेज होगी ना, तो इस वोल्टेज का, इस वोल्टेज का, इस वोल्टेज का, इस वोल्टेज का, इन सबका सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए या सम इक्वल्स टू जीरो होता है, सम जीरो नहीं होता, मतलब टोटल को अगर हम यहाँ पे इस तरफ लिखेंगे तो इक्वल्स टू हम जीरो लिख सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वल्स टू जीरो होता है। अगर यहाँ पे मान लो मैंने ये लिख दिया x plus y और एक लिखता हूँ x plus y equals to zero, which is equation, this is equation, and what is this, x plus y क्या होता है, what is x plus y? सर सिंपली टू वेरिएबल्स, नहीं नहीं कुछ बोलते हैं सिंपली टू वेरिएबल्स नहीं बोलते, ऐसा कुछ बोलते हैं, बताइए, इसको इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि जीरो के इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट विल से इस एक्सप्रेस वाई फंक्शन, एक्सप्रेशन फंक्शन बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, इसको एक फंक्शन बोलते हैं। आपने फंक्शन पढ़ के आए ना, फंक्शन सेट ओनली नॉर्मल फंक्शन, इट्स नॉट इक्वेशन। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, जब वोल्टेज वाली जो चीज होती है उसको क्या करते हैं, हम टोटल को कैलकुलेट करके हम उसको जीरो, टोटल को कैलकुलेट करके हम उसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है और मेरा कुछ कहने का मतलब नहीं है। तो कैसे यहाँ प्रूफ करके बताइए आप, यहाँ प्रूफ करूँ, यहाँ का अगर मैं केवीएल निकालता हूँ ना तो केवीएल का बात करते हैं, पर बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखो कैसे, सर आपने बताया केवीएल, अब केवीएल का क्या होता है, केवीएल लगाने के लिए हमारे को डायरेक्शन पकड़नी होती है, डायरेक्शन कैसे पकड़ते हैं, डायरेक्शन दो टाइप की होती है, तो एंटी क्लॉक होती है, क्लॉक होती है, सर क्लॉक ले एंटी क्लॉक ले, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्यूशन, ट्यूशन पर डिपेंड करता है, वरना आप क्लॉक लो या एंटी क्लॉक लो आंसर आपका आ जाएगा, आप ऐसे भी चल सकते हो तो आप ऐसे भी चल सकते हो, आपकी इच्छा, आंसर हमारा कुल मिला के यही है। तो लूप के लिए केवीएल के लिए हमेशा हमारे को एक ना एक एंटी क्लॉक या क्लॉक डायरेक्शन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन सेट कर रहा हूँ, डायरेक्शन क्या है ये देखिए, मेरा सर्किट ऐसे चलता है, मतलब मैं यहाँ से चलूंगा सर, यहाँ से चल के ऐसे चल के ऐसे रख के फिर वापस यहाँ आ जाऊंगा, वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। अच्छा तो कौन सी डायरेक्शन लिया आपने, क्लॉक वाइज, तो आपने केवीएल का लूप कैसे लिया, क्लॉक वाइज, ओके जो समझाया उसको फोकस करो, क्लॉक वाइज। सर देखो मेरा लूप इसमें घुस रहा है, अब ये क्या है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, this loop is facing negative or positive, this loop is negative or negative, what vs, negative vs, clear, aage chalte hain, sum hai sir, main aapko bata tha ki sum hota hai, theek hai, maine direct plus laga diya, aage chalta hu, aage chala yahan pe mere wire hai, wire hai, wire hai, koi baat nahi, wire simple hota hai, koi issue nahi hai mere paas, yahan par aa gaya sir, yahan par aa gaya to yahan pe kya bimari hai, yahan pe ek resistance hai, रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपकी टोटल वोल्टेज मैंने बता दी, इसको सर मैं इसको यहाँ पे भी हटा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वापस समझा था पहले मैंने वो चीज, अब सर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पे आ गया करंट, तो इतने से पोर्शन के अंदर क्या वोल्टेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ओम का होता है वी इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे तो मैं सर इसको तो वोल्टेज मान लेता हूँ वी वन, यहाँ पे मैंने मान ली वी टू, यहाँ पे मान ली मैंने वी थ्री, सर पॉजिटिव मानो नेगेटिव मानो, जब कुछ भी नहीं दे रहा हो तो मैंने आपको बता दिया था कि जब कुछ नहीं दे रहा हो, स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा हो, तो जो एंट्री पॉइंट हो गया वो क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का क्या कितना हो गया वी वन, आगे चलेंगे ये कितना हो गया वी टू, आगे चलेंगे C
सेम करंट फ्लो हो रही है, यहां से निकल जाएगी बी इक्वल्स टू किसके रख दूंगा, दैट इज माय के वी, दैट इज माय के वी एल। क्या ये किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ मुझे, किसी को समझ में नहीं आई है तो बताओ। आ गई सर। आ गई। तो अब देखो ये V1, V2 और V3 इन तीनों के वैल्यू रख दो। तो वैल्यू का मतलब है मैंने तो कुछ दे ही रखा, मैंने तो यहाँ दे रखा है V को सो IR होता है, तो करंट कितनी है IR1, करंट सेम है सर, तो सेम लगा दो ना, मना किसने किया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V is equals to I R1 plus R2 plus, यहाँ पे मैं इनके वैल्यूज रखूंगा मेरे पास आंसर आ गया। केवीएल का फायदा क्या होता है, केवीएल का फायदा बताओ मेरे को, आपने केवीएल पढ़ा ही क्यों रहे हो, क्योंकि सर हमारी स्टडी के अंदर ये होता है कि आप कुछ भी चीज पढ़ाओगे तो आप हमें बताना पड़ता है कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये क्यों कर रहा हूं मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो केवीएल का फायदा ये होता है, बाय हेल्प ऑफ केवीएल आई कैन फाइंड वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी इन एनी सर्किट। By help of KVL, I can find out, I can give the expression to any resistance. किसी भी resistance को मैं expression दे सकता हूँ, चाहे उसको voltage बोलो, चाहे उसको current बोलो, चाहे उसको resistance निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। ये एक methodology हो गई, जिसके help से मैं क्या होता है, circuit को solve कर सकता हूँ। Circuit पर किसी भी element की मैं voltage निकाल सकता हूँ, किसी भी element का क्या निकाल सकता हूँ मैं, other features निकाल सकता हूँ। तो सर आपने करंट क्यों लिखा, फिर KCL क्या काम होता है, सुनना KVL का मतलब क्या होता है, इट इज वोल्टेज डिपेंडेंट, उसकी वोल्टेज के बेस पे अपन काम करते हैं। KCL मतलब करंट डिपेंड, वो अपनी उसकी करंट पर डिपेंडेंट पे काम कर सकते हैं, वहां करंट की हेल्प से अदर फीचर्स निकालते हैं या वोल्टेज की हेल्प से अदर फीचर्स निकालते हैं, बस इतना सा आपका काम होता है। क्लियर है यहां पे ये चीज? यस सर। यस सर। टाइम पर फोकस मत करना सर, टाइम हो गया, टाइम पर फोकस मत करना इस क्लास में, लास्ट टाइम मैंने एक दो रिक्वेस्ट मांगी थी, ठीक है, लेकिन आज जितना मुझे पढ़ाना पड़ा सर, करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, घर पे अकेला ही है सर, अभी तक आपकी यूनिट भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो दैट्स सर मुझे करना पड़ेगा, और जैसे क्लास का होता है तो उसको पढ़ेंगे यार, घर पे बैठे हो ना तुम लोग को, तो ऐसे तो नहीं अभी भूख लग रही, तो भूख लग रही तो लिया हो कुछ भी खाने के लिए, आते रहो। ओके, कुछ बेसिक फीचर्स हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई करंट केवल के अंदर कोई रेजिस्टेंस से पास होती है, ये सब लिखा हुआ है तो मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ में नोट अप करनी है। अगर कोई करंट कोई रेजिस्टेंस से पास होती है तो वहां पे क्या होता है, करंट रेजिस्टेंस से पास होती है तो सर वहां पे एनर्जी लॉस होता है, बिल्कुल होता है, क्यों होता है सर? अरे यार ऑब्वियस बात है, रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का लोड, अगर तुम कोई बल्ब जला रहे हो तो लॉस तो हो रहा है ना, लॉस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है, तो हम यूज कर रहे हैं ना, हाँ तो वो आपकी कन्वर्जन हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किसी में जा रही है, मतलब लाइट एनर्जी में, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एनर्जी लॉस, वी विल से एनर्जी लॉस। अगर वहां पे एनर्जी लॉस है तो वहां पे उस एनर्जी लॉस के कारण वहां पे क्या होगा, वोल्टेज, कभी कभी पूछते हैं ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही है, तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा हमेशा कि सर ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, क्या होता है, ये समझ में नहीं आया सुनना, लेकिन आज समझ में आ गया कि अगर सर किसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस में यू फाइंड अ फ्लोइंग ऑफ करंट देन देयर वुड बी सम एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस क्यों होगा वो बता चुका हूँ आपको, क्योंकि वो कंजप्शन कर रहा है, वो खींच रहा है एनर्जी को, खींच रहा है सॉरी एनर्जी को नहीं खींच रहा, वो खींच रहा है आपकी सप्लाई को, उससे कारण क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप। एक चीज को ये याद रखना हमेशा सर्किट में, बेसिक चीजें लिखा है ना इसको, वैसे लिखा हुआ भी है कि आपने याद करने के लिए करना। ओके, अब ये सर करंट फ्लो जो होता है ये सर यहां पे वोल्टेज ड्रॉप है, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे V1 हो गया और यहां पे V2 हो गया, ठीक है सर, ओके मानते हैं करंट फ्लो होता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि करंट की मर्जी होती है कि वो किस तरफ फ्लो करे, वो ऊपर की तरफ फ्लो करे या नीचे की तरफ फ्लो करे, मतलब ये
सर एक सर्किट हो गया, जैसे मान लो आपके पास एक सर्किट हो गया, अभी स्टेटमेंट नहीं आया, तो करंट फ्लो होती है ना वो हमेशा क्या होती है आपकी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ आपकी हमेशा करंट फ्लो होती है। थोड़ा कम समझ में, थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है बताता हूँ कैसे। ये एक नॉर्मल चीज होगी, यहाँ पे आपके पास V1 है, यहाँ पे आपके पास V2 है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैंने बोल दिया V1 इज हायर देन V2, मतलब V1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और V2 की वैल्यू कम है, तो क्यों हायर पोटेंशियल हो गया, V1 हायर पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पे अगर हो रहा है सर नेटवर्क दिक्कत आ रही है। ओके एक बार रिफ्रेश करके देखिए कंटिन्यू हो गया, एक घंटे से ऊपर हो गया। ओके सर कंटिन्यू, किसको दिक्कत है आगे तब भी कंटिन्यू दिख रहा है, वोकल आ रहा है और ये स्क्रीन विजिबल है। यस सर ओके कंटिन्यू। सपोज करो यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, ये देखो ये प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं होती चीजें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए चीजें। यहाँ 2 एम्पियर है और यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी करंट ऐसे फ्लो हो सकती है, यहाँ भी करंट फ्लो हो सकती है, तो सर ये दोनों का एक दूसरे क्लैश कर जाएगी, पॉइंट कई बार फायर फेस करो दोनों सर क्लैश कर जाएगी एक दूसरे से, क्या क्लैशिंग होगी क्या कभी, अगर क्लैशिंग हो गई तो सर दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, तो हायर से लोअर कैसे हो गया सर, ये हायर कैसे बता दिया आपने और ये आपने लोअर कैसे बता दिया, देखो ये तो मैंने अजम्पशन लिया ना, ये हायर है ये लोअर, तो क्या होता है हमेशा ये वाला करंट लीड करेगा, इस वाले करंट की कोई वैल्यू क्यों लीड करा, क्योंकि ये वाली हमारे पास ग्रेटर है, ये वाली हमारे पास पोटेंशियल, ये वाला कौन सा है, यही करंट हमेशा फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर। अब सपोज करो आपके पास अचानक से यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, यहाँ पे 2 एम्पियर है और पता चलता है आपको कि अब मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसकी ज्यादा होगी V2 की, तो आपके पास करंट ये वाला फ्लो होने लगा, ठीक है समझ में आई चीज। Yes, sir. ये दो स्टेटमेंट है, बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेटमेंट है जो हमें हमेशा याद रखने हैं, जो हमारे को चीजों के लिए काम आएंगे। मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा अभी, तो किसी को जाने की जरूरत नहीं है, और जो बहुत ज्यादा थक गया हो तो वो जा सकता है, यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं अपन। ओके अब केवीएल के ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम केवीएल क्वेश्चंस। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल चीज है, एक बार कॉन्सेप्ट समझना सर। अच्छा वो भी चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझाए हैं, तो जितने लेवल के भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना उसी लेवल की सॉल्व करने की कोशिश कर, तुम अगर बड़े पे जाओगे तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो तुम परेशान हो जाओगे, सर आपको तो सॉल्व भी नहीं हो रही क्वेश्चन, बाकी थोड़ा सा नॉर्मल रखना। ओके ये आपके पास एक नॉर्मल लूप है, मेरे को बताना है V1 की वैल्यू, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता, कह रहा हूँ इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता केवल समझने के लिए, इससे सिंपल तो नहीं होता। अभी 50 स्टूडेंट तुम लोग लाइव हो, 10 स्टूडेंट अभी तक आते नहीं है, उन 10 स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए सर्किट में बैक लगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरे 18 वोल्ट, एक बार ये वैल्यूज बता दीजिए सर, ये दिख नहीं रहा है।
ओके मेरे को बता कि कोई सिंबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसकी वोल्ट ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट की हमको बता रखा है कि 2 वोल्ट वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 1 वोल्ट है, इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, 2, 1, V1, 3, 5. अब देखो क्या करना है कि V1 निकालना है. V1 कैसे निकालेंगे? तरीके बहुत सारे हैं. आंसर सही है 19 वोल्ट. तरीके बहुत सारे हैं. कौन सा तरीका लगाए? तरीका वो लगाओ जो मैंने आज सिखाया है. तरीका वो लगाओ जो मैंने आज सिखाया है. तो हमको यहाँ पे लगाना है KVL. बिल्कुल सही आंसर 19 आएगा. बिल्कुल सही है. उसके यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे लगाना है आरोप KVL. KVL के साथ ऐसे आपने बताया था KVL के लिए क्लोज लूप चाहिए. कंडीशन समझ लो, क्लोज लूप चाहिए. क्लोज है राइट. पहली कंडीशन हमारे पास क्लियर हुई, क्लोज है. फिर क्या चाहिए? या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक, आपकी इच्छा. चलो हमने क्या किया था पहले? क्लॉक वाइज लिया था. तो अब क्या ले लेंगे? एंटी क्लॉक. एंटी क्लॉक 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 एक आएगा तो वही सीख लो. ठीक है, मैं वही सिखा रहा हूँ जो आपको वापस समझा रहा. मैं ऐसे लेके चलता हूँ, ऐसा लेके चल रहे हो. ठीक है सर. तो सर कहाँ से किस चीज को मैं पहले लेके चलूँ? तो हमेशा ध्यान रखना, आप वोल्टेज सोर्स को स्टार्ट कर दिया करो. सबसे पहले हमेशा वोल्टेज सोर्स को लेके लिया करो. तो कहेगा ये घूम के यहाँ आएगा, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, क्या आएगा? माइनस का 30. ओके, तो देन यहाँ से निकला, यहाँ से आपके पास क्या गई? यहाँ पे आपके पास 2 वोल्ट गई. अब सर इसको पॉजिटिव मानो नेगेटिव मानो? देखो करंट को देखो पहले. करंट क्या है आपके पास? यहाँ पे तो करंट अगर यहाँ एंटर करेगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी आपके पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये वोल्टेज आपके पास क्या हो गई? पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. यहाँ से V1 निकालना है. V1 की वैल्यू मेरे पास आ गई. सिंपलेस्ट वन वर्ड के लिए. इससे सिंपल कुछ नहीं होता. इससे सिंपल तो देखो मैंने तो, मेरे को नहीं पता फिर इससे सिंपल कैसे समझाता. केवल अगर समझाता हूँ इससे, अगर सिंपल की बात करूँ तो मुझे तो नहीं पता कैसे समझाते. इसको अगर नोट आउट करना है वो कर सकता है. और एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ आपको, वो बाद में सॉल्व करना. अच्छा अगर मैं एक और चीज, किसी किसी का डाउट आ रहा होगा, चलो मैं इसको एंटी क्लॉक लेके समझाता हूँ. मैं ही समझाता हूँ. एंटी क्लॉक लेंगे तो सर कैसे क्या हो जाएगा हमारे पास? वोल्टेज हो गई 10. डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर. काफी इशू ये है सर. करंट क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर. मतलब क्या निकालना है? इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सोर्स निकालना है, इसके अक्रॉस भी निकालना है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालनी है, इसके अक्रॉस क्वेश्चन पे फोकस करना. वोल्टेज निकालनी है सर. जैसे V1 है तो V1 के लिए सर हमारे को IR चाहिए. तरीके बहुत सारे हैं. फिर वही बात बोल रहा हूँ, वी हैव नंबर ऑफ वेज वी कैन सॉल्व इट. सीरीज करके भी कर सकते हो, वैसे भी KVL से भी तो कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हो. तो यहाँ KVL करो. आपको अभी KVL सीखना है. जब आएगा ना टर्न तब मैं आपको बोलूंगा सिंपल लगाओ फटाफट. इसको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, इस वाले को तब लोग फटाफट करो. इसको करंट कितना फ्लो रहा है? सब जगह पूरे में आई हो रहा है क्योंकि सारा सीरीज है. हाँ तो ठीक है ना. अगर ये पूरे में फ्लो हो रहा है तो मैं क्या करूँ? सर आप एक काम करो, आप ना इसको एंटी क्लॉक ले लो. इसका KVL मतलब एंटी क्लॉक KVL ले लिया मैंने. एंटी क्लॉक ले लिया. ऐसा कहाँ से स्टार्ट करूँ? वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करो. तो इसकी तो चेंज होती नहीं है, तो
वोल्टेज सोर्स में इसका एंट्री का सोर्स प्लस है, सोर्स है प्लस का, दस एंट्री का सोर्स प्लस से, तो जिससे एंट्री होगी उससे बात करेंगे अपन, प्लस का दस। ठीक है सर, जरा बताओ आगे क्या करना है। देखो यहाँ पे करंट क्या हो रही है, अंदर आ रही है, हाँ यहाँ करंट आ रही है, तो सर ये प्लस प्लस होती है, मतलब करंट जहां से आती है घुसती है उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ से टेन हो गया, टेन के बाद में देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस का फाइव फुट करंट हो गया आई, नेक्स्ट फोर आई, नेक्स्ट माइनस थ्री आई, नेक्स्ट माइनस वन आई। यहां से मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे पास आई को कॉमन ले लिया, पांच और नौ दस भी, आई की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास टेन बाई, जरूरत नहीं पड़ती है तो सिंपल कर सकते हो तुम उसको, बट आपको समझाने के लिए कि केबल कैसे लगता है। अब वी वन निकालना है, वी वन का मतलब क्या हो गया, उसमें जो करंट फ्लो रहा वो, और आर वन मतलब ये वाली वैल्यू, तो वी वन इक्वल टू टेन बाई थर्टीन इंटू आर की वैल्यू वन, ये आपकी वोल्टेज। अब मान लो मेरे को V5 निकालना है, ये सब आप निकाल सकते हो, मैं बार बार में पूरी नहीं करूंगा। V5 निकालना है तो V5 के लिए सर करंट जो उसमें फ्लो है वो चाहिए और उसका ऑफिशियल रेजिस्टेंस ये है, ऑफिशियल रेजिस्टेंस I5 R5। V5 इक्वल्स टू I कितना हो गया मेरे पास, I तो हो गया सर अभी निकाला था हमने 10/13, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 5, सर आंसर इज 15/13। ऐसे ही आप V3 की भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप V4 की भी निकाल सकते हो। क्लियर है चीजें या नहीं? क्लियर है सर। यस सर, यस सर, क्लियर है। थैंक यू, अभी 10:17 हुआ है। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट मुझे अभी, चलो मैं एक और चीज नहीं करता हूँ, उसके फिर न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद केस केबल कर केस एल केस एल करेंगे, ठीक है? चीजें सर, 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 बोलो। खाना भी बनाना है सर। क्या हुआ? खाना बनाना है सर। अरे यार रूम पे थोड़ी ना रह रहे हो, मजबूरी है सर। अरे तो यार ऐसे कैसे क्या चलेगा, हमें सेकेंडरी क्लास को लंबी लेनी पड़ती है, मुझे समझा करो सर। 10 मिनट में तो दूसरी क्लास में जाना है। 10 मिनट का कांसेप्ट समझा दूं, 10 मिनट का कांसेप्ट। अटेंडेंस की क्लास है सर, सब फ्रेश होने जाना है, अटेंडेंस भी है। अरे इतना ही फ्रेंडली मत हो यार, अभी क्लासेस अभी तो मतलब लाइव देखेंगे, फिर उसके बाद देखना। चलो कोई बात नहीं, केवीएल समझ में आया? यस सर, यस सर। किसी को डाउट है आज की क्लास में? अरे आज फिर रिकॉर्ड कर लो सर। राजू शर्मा तुम रिकॉर्ड करते हो? नहीं राजू नहीं, कौन था वो? रजनीश। रजनीश रिकॉर्ड कर ली तुमने? ठीक है तुम अपने उसमें डाल देना, जो भी है जिसको चाहिए वो उसमें वहां से देख लेना। मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, मुझे पढ़ाने से मतलब रहता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या करना होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आज की क्लास को यही एंड कर रहा हूँ, लेकिन अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। एंड फॉर एनी बॉय और गर्ल, जिसको भी प्रॉब्लम आती है मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लो। आप लोग के पास ऐसा नहीं है कि मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ना हो, कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग शेयर कर सकते, शेयर कर देना अगर जिसके पास मेरे हों। और कॉल करने से पहले मतलब मुझे भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि स्टूडेंट का नाम क्या है, क्या है, क्यों, कौन है, क्या है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो प्लीज, और उसे एथिक्स के साथ। अरे सर वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ऐसा नहीं, थोड़ा तरीके से मुझसे पूछ लेना, पहले मुझे भी फैमिली रुझान दिया करो तुम्हारे साथ। देखो किसी दिन अगर मेरा मूड हुआ तो प्रिपेयर रहा करो, मैं एक घंटा मेरे लिए कम पड़ता है क्लास का, मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है। हमारे पांच यूनिट है, सात यूनिट जाएगी, तो जैसे डीसी हम कर रहे क्या पता आपको, डीसी की हम है ना बेसिक्स कर रहे हैं, पता होना चाहिए आप लोग कंपट कर रहे क्या डीसी के बेसिक्स। वेरी क्विक आई टेकिंग अटेंडेंस। और हाँ अगर किसी के अटेंडेंस अगर ईआरपी पेन लग रही है तो परेशान मत होना, मैं एक साथ मार्क कर दूंगा। यस प्रीतिश माथुर तो आया है, और आर्यन आया क्या? यस सर। आर्यन कहाँ है? यस सर। तुम्हारा नाम कहाँ पर है? आर्यन नहीं आया आज? अरे आया हूँ सर।
यस सर आप देख गए, आप देख गए।